ईडिपस रेक्स द किंग सोफोक्लेस. आप लोगों को अक्सर मैं बता रही होती हूँ अरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, बताती हूँ ना. वो जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी है ना, उस लिहाज से अगर कोई ड्रामा जो अरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी को पूरा करता है ना, वो ईडिपस द किंग है जो आप लोगों को पढ़ाना है. तो ये वो सारे जो ईडिपस अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से, जो अगर कोई ड्रामा जिसको कहा जाता है कि वो अरिस्टोटल की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, तो वो ईडिपस रेक्स है. नेक्स्ट चलते हैं, बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर देख लेते हैं. ईडिपस रेक्स है क्या, जो कि सोफोक्लीज ने लिखा था. ईडिपस द किंग, एंशियंट ग्रीक ईडिपस टायरेनस, आल्सो नोन बाय लैटिन टाइटल ईडिपस रेक्स. ठीक है, इसको ईडिपस एंशियंट ग्रीक में इसको ईडिपस टायरेनस कहा जाता है, और अगर इसको लैटिन में जो है ट्रांसलेट किया जाए तो इसको ईडिपस रेक्स कहा जाता है. इज एन एडीनियन ट्रेजेडी बाय सोफोक्लीज. ये एडीनियन ट्रेजेडी थी बाय सोफोक्लीज, दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड सी 429 BCE. इट वाज द सेकंड ऑफ, यानी कि सेंचुरी 429 BCE. इट वाज द सेकंड ऑफ सोफोक्लीज थ्री थीबन प्लेस टू बी प्रोड्यूस्ड, बट इट कम्स फर्स्ट इन द इंटरनल क्रोनोलॉजी फॉलोड बाय ईडिपस एट कॉलोनस एंड देन एंटीगोन. Over the centuries, it has come to be regarded by many as Greek tragedy par excellence. इसको जो है regard किया गया एक as many as the Greek tragedy par excellence. Background में देख लेते हैं कि Sophocles is considered one of the great ancient Greek tragedians. Among Sophocles, most famous plays are Oedipus the King, Oedipus at Colonus, and Antigone. These plays follow the fall of ग्रेट किंग ईडिपस. ये जो प्लेज हैं वो फॉलो करते हैं फॉल ऑफ ग्रेट किंग ईडिपस को, और लेटर द ट्रेजेडीज दैट हिज चिल्ड्रन सफर. और ईडिपस के फॉल के बाद जो उसके बच्चों ने जो ट्रेजेडी सफर की, ये उसकी कहानी है. ड्रामेटिक आयरनी देख लेते हैं इसके अंदर. ड्रामेटिक आयरनी इज व्हेन द वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर द रीडर देन दे डू फॉर द कैरेक्टर. बेटा ये ड्रामेटिक, इसका जरा स्नैपशॉट ले लीजिएगा ड्रामेटिक आयरनी का. आप लोगों के अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है लिटरेरी डिवाइसेज एंड एलिमेंट्स में क्वेश्चन आता है, वॉट इज द ड्रामेटिक आयरनी इन दिस प्ले. तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि ड्रामेटिक आयरनी होती क्या. ड्रामेटिक आयरनी उस वक्त होती है जब वर्ड्स और एक्शंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर उनके डिफरेंट मीनिंग हो फॉर अ रीडर देन दे डू फॉर द कैरेक्टर. ठीक है, उन वर्ड्स यानी कि कैरेक्टर्स को वो बात नहीं पता होती जो कि रीडर को पता होती है. रीडर को पता होता है आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन कैरेक्टर्स को पता नहीं होता. तो जब वर्ड्स और एक्शंस ऑफ कैरेक्टर जो है उनके एक डिफरेंट मीनिंग हो फॉर रीडर देन दे डू फॉर कैरेक्टर. ठीक है, वो जो वर्ड्स और एक्शंस हैं उनके रीडर के लिए डिफरेंट मीनिंग हो जबकि कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट मीनिंग हो. ये सारी चीजें आप लोगों की जो ड्रामेटिक आयरनी है वो आपके ईडिपस रेक्स में बहुत ज्यादा है. आयरनी तो बहुत ज्यादा है. कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, तो आर्ट ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, ये बेटा जब आगे हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी कि इसमें ड्रामेटिक आयरनी क्या क्या है. आर्ट ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर्स है. उसके बाद फ्लैशबैक देख लेते हैं. द स्टोरी स्विचेस फ्रॉम द प्रेजेंट टू एन इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट. और फ्लैशबैक किसे कहते हैं, एक स्टोरी जो कि स्विच होती है फ्रॉम द प्रेजेंट टू एन इवेंट दैट अकर इन द पास्ट. उसके बाद सेटिंग्स देख लेते हैं. सेटिंग्स जो है उसकी कुछ ऐसे है कि ये जो ड्रामा है दो जगहों पर बना है, एक नंबर वन थीबस और दूसरी तरफ कोरिंथ है. थीबस जो है ये ईडिपस रेक्स जहाँ का बादशाह होता है ये उधर का होता है, और नंबर टू कोरिंथ होता है जहां से ईडिपस जो है भाग के आता है. अब यहाँ पे देखें, ये दरमियान में एक पहाड़ी है, पहाड़ी के एक तरफ थीबस की वादी और पहाड़ी के दूसरी तरफ कोरिंथ की वादी है. कहानी जब स्टार्ट होगी मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये दो सेटिंग्स जो है यहाँ पे क्यों रखी गई है. एक तरफ एक बादशाह किंग ऑफ थीबस था और एक तरफ एक बादशाह था जो किंग ऑफ कोरिंथ था. कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि ईडिपस रेक्स द रूलर ऑफ थीबस. ईडिपस रेक्स जो है वो हमें दिखाया जाता है ये रूलर था ऑफ थीबस का. ठीक है, ये बादशाह था थीबस का.
क्रियोन जो है ईडिपस ब्रदर इन लॉ एंड जोकास्टास ब्रदर और जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि क्रियोन जो है वो ब्रदर इन लॉ है और जोकास्टा जो है जो कि जोकास्टा का भाई है जोकास्टा ईडिपस वाइफ एंड मदर माइनर कैरेक्टर्स जो कि ईडिपस की वाइफ भी है और मदर भी है और उसके बाद जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उसमें हम देखते हैं कि अपोलो है द सन गॉड एंड हीलर गॉड ठीक है जिसको सन गॉड कहा जाता है और हीलर गॉड कहा जाता है लायोस ईडिपस फादर एंड जोकास्टास फर्स्ट हस्बैंड लायोस जो है ईडिपस का फादर होता है और जोकास्टा का फर्स्ट हस्बैंड होता है अब यहाँ पे आपको आके कंफ्यूजन हो रही होगी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि जो ईडिपस का फादर है वो उसकी बीवी का हस्बैंड भी है तो हाउ इज इट पॉसिबल ये कहानी में जाके डिस्क्लोज होगा डेल्फी एन ओरेकल दैट प्रिडिक्स ईडिपस विल किल हिज फादर एंड स्लीप्स विद हिज मदर डेल्फी जो है वो एक ओरेकल है जो कि ये बताता है कि जो प्रिडिक्ट कर देता है वो ये पेशीन गोई करता है कि ईडिपस जो है वो अपने फादर को किल करेगा और अपनी मदर के साथ सोएगा शादी करेगा सॉरी टेरिसियस यानी कि पहले दौर में ये होता था कि जब बादशाह मर जाता था तो उसका जो मतलब उसकी जो बीवी है उससे जो शादी करता था फिर वो नेक्स्ट बादशाह हुआ करता था तो यहाँ पे जो है वो डेल्फी जो है वो ये बताता है कि ईडिपस जो है वो अपने फादर को किल करेगा और अपनी मदर से शादी करेगा लेकिन ये प्रोहिबिटेड था कि मदर से बेटा शादी नहीं कर सकता था और ये बहुत बुरा सिन है टायरेसियस जो है द ब्लाइंड प्रॉफिट हु प्रेडिक्ट्स फेट एंड कैन सी द फ्यूचर टायरेसियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि प्रिडिक्ट करता है फेट को और वो फ्यूचर भी देख सकता है यानी कि वो फ्यूचर की बातें प्रिडिक्ट कर जाता है पॉलिबस ईडिपस सरोगेट फादर इन कॉरिंथ पॉलिबस जो है ईडिपस का सरोगेट फादर है सरोगेट फादर यानी कि एक फादर जिसने ईडिपस को गोद लिया था ये उसका सरोगेट फादर है जो कि कॉरिंथ में रहता है एंड द रूलर ऑफ कॉरिंथ और वो रूलर है कॉरिंथ का जियस द ओल्डर सॉरी The elders called upon God Zeus to give help to Thebes and Oedipus. जो elders जो हैं वो call upon करते हैं God Zeus को ताकि वो उसको help करे Thebes को और Oedipus को. Corinthian जो है the man who bring news of Polybus' death and who asked Oedipus to rule Corinth. ठीक है Corinthian वो शख्स था जो कि Polybus की death की खबर लेके आता है और जो Oedipus को कहता है कि वो rule करे Corinth को. Merop, Oedipus surrogate mother in Corinth. ठीक है मीरोप जो है ईडिपस की माँ होती है जिसने इसको लेके गोद लिया होता है पाला होता है एंड करंट रूलर ऑफ कॉरिंथ और वो करंट रूलर होती है कॉरिंथ की हर्ड्समैन शेफर्ड ईडिपस वाज गिवन टू द हर्ड्समैन बाय जोकास्टा ठीक है ईडिपस को उस हर्ड्समैन को या शेफर्ड को जोकास्टा यानी कि ईडिपस की अपनी माँ ने दिया होता है हु ट्राई टू गेट रिड ऑफ हर इल फेटेड चाइल्ड जो कि अपने इल फेटेड चाइल्ड से भागना चाह रही होती है इस वजह से वो बच्चा जो है हर्ड्समैन को शेफर्ड को दे देती है लैब्डकोस द रूलिंग फैमिली ऑफ थेबस कंसिस्टिंग ऑफ क्रियोन एंड लायोस एंड जोकास्टा वांट्स टू रूल एंटीगोन वन ऑफ ईडिपस डॉटर्स इज मीन वन ऑफ द ईडिपस डॉटर इज मीन जो है वो वन ऑफ ईडिपस डॉटर है नेक्स्ट उस पर चलते हैं सफरिंग ऑफ थेबस ठीक है प्लॉट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं प्लॉट कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं प्लॉट किसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं सबसे पहले हम जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो सफरिंग ऑफ ईडिपस होती है ओरेकल ऑफ टायरेसियस ठीक है ओरेकल ऑफ टायरेसियस का जो भी एक आता है एक वो हम सुनते हैं उसके जो भी वहां से कि वो ओरेकल ऑफ टायरेसियस जो है वो आता है मर्डर ऑफ लॉयस उसके बारे में बात होती है रिडल ऑफ स्पिंग सॉल्व होती है किंग ऑफ कॉरिंथ जो है वो हम देखते हैं कि वो कौन है प्रोफेसी केम ट्रू और फाइनली प्रोफेसी सच साबित हो जाती है जोकास्टा कमिट सुसाइड जोकास्टा जो है वो सुसाइड कर लेती है ईडिपस गॉजेस आउट हिज आईज ईडिपस अपनी आंखें फोड़ लेता ही सेज वाइज टू हिज वाइज टू हिज चाइल्ड एंड लीव द सिटी और वो अपने बच्चों को खुदाफिज कहता है और शहर हमेशा के लिए छोड़ देता है It's when Oedipus went far away from the Polybus to avoid the oracle to come true. But unknowingly, his decision led to make the oracle as it is. Ye jo hai Oedipus, it's when Oedipus went far away from the Polybus.
जब ईडिपस जो है पॉलिबस से दूर जाना चाहता है टू अवॉइड द ओरेकल टू कम ट्रू, कि वो जो है ओरेकल को जो है अवॉइड करना चाहता है ताकि वो सच साबित ना हो जाए, कहीं वो सच साबित ना हो जाए, तो वो इस वजह से अपने फादर पॉलिबस से भाग जाता है ताकि ओरेकल ने जो ये प्रिडिक्शन की है, एक्चुअली ओरेकल ही ईडिपस को बताता है कि तुम अपने फादर को किल करोगे और अपनी मदर से शादी करोगे। ईडिपस जो है उसको ये पता नहीं होता कि जो पॉलिबस है वो उसका रियल फादर नहीं है। वो जब ओरेकल की ये बात सुनता है तो वो डर के जो है अपने बाप और अपनी माँ का वो जो मुल्क है, सॉरी सिटी जो है, उसको छोड़ के चला जाता है। तो वो इतना ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि फेट जो है इंसान उससे भाग नहीं सकता, तो इस वजह से वो शहर ही छोड़ के चला जाता है हमेशा के लिए, और ताकि वो कहीं अपने बाप को किल ना कर ले और अपनी माँ को अपनी माँ से शादी ना कर ले। उसके बाद हम देखते हैं बट अननोइंगली हिज डिसीजन लेड टू मेक द ओरेकल एज इट इज, लेकिन अननोइंगली जो उसका डिसीजन हुआ, जो उसने ये डिसीजन किया, अननोइंगली वो वही घर बैठता है जो ओरेकल ने उसको कहा था। His biological mother commits suicide. उसकी biological mother जो है वो suicide कर लेती है and he outrages his eyes and leaves his home city. और वो जो है अपनी आंखें जो हैं उसको फोड़ लेता है और अपना home city हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। इस कहानी के अंदर दो लोग होते हैं जो oracle से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। Number one जो कैस्टा और number two Oedipus, दोनों का downfall होता है। इस कहानी के अंदर दिखाया गया कि फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया, फैटलिज्म दिखाया गया, इंसान कुछ भी कर ले अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता। हम कुछ भी कर लें इंसान किस्मत के हाथों मजबूर है, होता वही है जो किस्मत में लिखा हुआ होता है। बाज़ औक़ात लोग अपनी शादी को रो रहे होते हैं, रोते हैं कि नहीं रोते, ऐसे नहीं कि मतलब वो फलाने का हस्बैंड देखो तो मेरा हस्बैंड देखो, स्पेशली खवातीन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हदीस में है कि जो शख्स जो है सॉरी अपनी किस्मत पे राजी सॉरी क्या मैं बताती होती हूँ, एक हदीस है बकायदा राजी कर देगा। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा। बेटा जो भी मिल गया ना जिंदगी में अल्लाह ताला से, वो तो आपकी किस्मत में था जो आपको मिल गया। आप दुआ मांगे जो मेरी किस्मत में मुझे मिल गया ना, अल्लाह उसमें ब्लेसिंग्स डाल दे, अल्लाह उसमें खुशियां डाल दे, अल्लाह उसमें बरकत डाल दे। जब हम किसी की शादी पे जाते हैं हम क्या करने जाते हैं? हम वहाँ पे हाजिरी लगाने या खाना खाने नहीं जाते बेटा, हमें वहाँ पे बुलाया जाता है कि हम जो नया शादीशुदा जोड़ा है हम उसको जाके दुआएं देखें। हम वहाँ पे क्या करने जाते हैं? शादी का खाना खाने जाते, हम खाना खाने नहीं जाते बेटा। बेसिकली इस वजह से हम उनको कहते हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी आसान करे, ऐसे बोलते हैं। तो बेटा जो किस्मत में मिल गया ना उस पे अल्लाह का शुक्र करें, ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अगर आपको लगता है ना अल्लाह ने आपको बेस्ट नहीं दिया या अच्छा नहीं दिया तो अल्लाह ताला से कहें अल्लाह ये मेरी किस्मत में था, इसको मेरे लिए बेस्ट बना दे, यकीन करें वो आपके लिए बेस्ट बन जाएगा। किताब है ना, किताब ठीक है वो अच्छी भी हो सकती है वो बुरी भी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो किताब नहीं आई या वो गाइड नहीं आई जो कि आप एमए इंग्लिश लिटरेचर की लेने गए थे, ठीक है, लेकिन आपकी किस्मत थी कि आपको एक वो वाली किताब मिली जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से शायद आपको लगता है फिजिबल नहीं है, लेकिन आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे या अल्लाह अब ये जो किताब आ गई है ना घर में इसी में बरकत डाल दें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी किस्मत थी अब आपको मिल गई। तो बेटा उसको ना बड़े शुक्र और सब्र के साथ एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद दुआ मांगे, आप देखें अल्लाह ताला कितनी बरकतें डालता है। इसी तरह जब कोई स्टूडेंट कामयाब होता है मैं क्या कहती हूँ, बेटा बारक अल्लाह फी, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, बोलती द रीजन इज दैट कि जब बेटा जो किस्मत होती है ना आप उससे भाग नहीं सकते। हाँ जो किस्मत में आ गया उसमें बरकतें जरूर नाजिल हो सकती हैं, उसमें ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, उसमें और बहुत कुछ आ सकता है। जो खाली आपको एक पेन है ना, कोई एक पेन है, एक स्टूडेंट का चलता है कोई 10 दिन और एक स्टूडेंट का चलता है 5 दिन और एक स्टूडेंट लेके आता है और घर आता चलता ही कोई नहीं है कि नहीं।
एक ही बहन है ना, आपको पता होता है इधर जाके नहीं चलेगा, लेकिन जो आपकी किस्मत में वो नहीं चला, ठीक है, तो दैट इज द थिंग. लेकिन आपने क्या करना है, हमने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, या अल्लाह ये जो मिल गया ना इसमें बरकत डाल. अल्लाह ताला बरकत डाल देता, अल्लाह ताला दुआ, देखिए किस्मत को तोड़ने वाली एक ही तो चीज है, और वो अल्लाह ताला ने दुआ बनाई. दो चीजें किस्मत को तोड़ देती हैं, नंबर एक नजरे बाद, नंबर टू जो अहदीस की रूह से हमें पता चलता है, और नंबर दो जो है ना दुआ. ये अल्लाह ताला ने एंटी बनाया किस्मत का, बाकी अल्लाह ताला ने फेट ऐसी बनाई है ना, किस्मत खत्म, मतलब एक दफा लिख दी गई है ना, तो उसको आप तोड़ नहीं सकते. बस ये दो चीजें अल्लाह ताला ने हर चीज का एंटी, हर चीज का सोल्यूशन रखा हुआ है. तो दुआओं से बेटा जिंदगी बदल जाती है, ये करके देखिएगा, आपको हर चीज इतनी खूबसूरत लगने लग जाएगी कि आपकी सोच है. और अगर खूबसूरत नहीं है ना, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी नजर और मेरा फहम ऐसा कर दे कि मुझे ये चीज खूबसूरत लगने लग जाए. वो चीज आपको खूबसूरत लगेगी. यहाँ पे जो ये पूरा ड्रामा है, मुझे इस वजह से बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर फेट जो है ना उसका दिखाया गया है कि किस्मत जो है ना वो अटल है, और इंसान किस्मत के हाथों मजबूर है. मुझे इसका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगा. और दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये कि जो जो इंसान किस्मत को तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो उस इंसान का डाउनफॉल होता है. तीसरी चीज इस ड्रामा के अंदर दिखाई कि जो इंसान तकब्बुर करेगा ना, उसका डाउनफॉल हो जाएगा. ईडिपस रेक्स का तकब्बुर ही था जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ. उसको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा नाज था. हम लोगों को भी है, मैं यूं कर लूंगी, मैं ऐसे करके वैसे कर लूंगी, मैं पता नहीं क्या क्या कर सकती हूँ, बोलते हैं हम ऐसे. तो बेटा हम जो इंसान है ना, हमें अपने ऊपर बड़ा नाज होता है एक्चुअली. जिस दिन ये नाज मेरे ऊपर से हट के अल्लाह के ऊपर चला गया ना, यकीन करें आप कामयाब हो जाएंगे. या अल्लाह मैंने ये इरादा किया, मेरे इरादों को मेरे हक में कामयाब कर दे. रेप ऑफ द लॉक में वो शुरू में म्यूज, गॉडेस ऑफ म्यूज पोएट्री को पुकारता है कि भाई बट मतलब ये क्या हुआ है भाई, मेरी हेल्प करो, गॉडेस ऑफ पोएट्री को पुकारता है. हम जब कोई भी काम करते हैं, हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं, है कि नहीं है. तो बेटा जब हम अपने एम्स में, एम्बिशंस में अल्लाह ताला की मदद शामिल कर लेते हैं, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारी मदद करता है. लेकिन जब हम ये कहते हैं ना मैं कर लूंगी, यकीन करें मैंने बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं, लेकिन बेटा कामयाबी सिर्फ एमए इंग्लिश लिटरेचर कर लेना नहीं है. कामयाबी ये भी नहीं है कि आपने एमए इंग्लिश लिटरेचर में 500 से ज्यादा मार्क्स ले लिए, 550. इससे ये जस्ट एक एमए इंग्लिश लिटरेचर है, एंड दैट इज जस्ट रिलेटेड टू योर डिग्री, दैट इज नॉट द सक्सेस ऑफ योर लाइफ. उसको लाइफ की सक्सेस के साथ कंपेयर मत कीजिएगा. सक्सेस ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट, ठीक है. वो आपके एक्सपीरियंसेस पे होती है, आपके गुमान पे होती है, आपके आदात पे होती है. बहुत सारे आप देखें ना, इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, PhDs और पता नहीं क्या क्या कुछ, उनको पढ़ाना ही नहीं आ रहा होता, ठीक है. पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, ताके बदतमीज होते हैं. तो दैट इज, आपको नहीं लगता ये आइरनी है? एक्चुअली उनको ये लग रहा होता है क्योंकि हम पढ़ लिख गए, हमारा बच्चा पैदा होते ही पढ़ा लिखा है शायद, तो शायद इसको समझाने लिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ लिख गए इसलिए बच्चा भी पैदा होते ही पढ़ा लिखा हुआ. वो अपने बच्चे की तरबियत ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि हमने डिग्री ले ली है तो अब इर्द गिर्द के लोगों को हमारी जरूरत कोई नहीं रहेगी, हम अफसर बन गए हैं तो अब इर्द गिर्द के लोग. तो बेटा ये आपकी जिंदगी जो है ना, इसके ये तीन जो मेन, मैंने कहा ना मुझे ये ड्रामा बड़ा पसंद है, ओडिपस रेक्स द वे, और तकब्बुर उसके बारे में यहाँ पे बताया गया. मैंने इतने ड्रामास पढ़े, उसमें मैंने प्राइड के बारे में इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने इस ड्रामा के अंदर पढ़ा. हदीस में है कि अल्लाह फरमाता है कि किबर मेरी चादर है, जो इसको मेरे से छीनेगा मैं उसको छीन दूंगा. बेटा ये जो राईदाना तकब्बुर है ना, ये हमें जन्नत में नहीं जाने दे. मैं सेल्फ मेड इंसान हूं, मैंने जो भी किया खुद से किया, बोलते हैं हम ऐसे, ये भी तो राईदाना तकब्बुर है. उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये भी तो बेटा राईदाना तकब्बुर है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेल्फ रिस्पेक्ट थी उस वक्त जब ताइफ के
जो बच्चे थे शरारती बच्चे नबी पाक के जो पैर थे लहूलहान कर दिए थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर लहूलहान करने की, हम तो अभी कुछ बनते ही नहीं है, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मैं क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ। सो वॉट अगर किसी ने कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये वो रायदाना तकबर होता है, ना तो आपको दुनिया जीने देता है ना आपकी आखिरत कामयाब करेगा। ये आपको दुनिया में भी आप फ्रस्ट्रेट होके रह जाएंगे और आखिरत तो गई गई। तो बेटा ये जो छोटे छोटे रायदाना तकबर, आप बड़े तकबर की बात ना करेंगे कल को मेरा स्टेटस होगा तो वो वाला तकबर मैंने नहीं करना। ये जो रायदाना तकबर है ना जिसपे जहन्नम वाजिब हो जाती है उससे बच जाए बस। उसके बाद अल्लाह ताला की जब आजिज़ी इनकसारी आप झुक जाएंगे ना, आपके दरख्त को बड़ा फल लगता है। झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है बेटा, अकड़े हुए फल को दरख्त को कभी फल नहीं लगता। आप जितने डाउन, कभी ये मत सोचिएगा मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ लोग मुझे बेवकूफ बना रहे। कोई बेटा किसी को बेवकूफ नहीं बना, कभी भी कोई किसी को बेवकूफ बना ही नहीं सकता। कौन अकल वाला नहीं है, कोई बेवकूफ बनता है आज के दौर में? जो बर्दाश्त कर रहे होते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, उनके अंदर सब्र बड़ा होता है और इस वजह से वो लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं। दैट इज ओके, ठीक है। तो बेटा हजरत अली ने फरमाया है कि तुम में से जो ताकतवर वो नहीं है जो कि जो मतलब पहलवानी में जो है अपने दूसरे पहलवान को पिछाड़ दे, ताकतवर तो वो है जिसके अंदर सब्र ज्यादा हो। तो बेटा हमारे दीन में तो ताकत का लेवल ही सब्र और शुक्र और ये चीजें दिखाई गई हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, यही तो तकब्बुर है, फिर तो ये नेकी का तकब्बुर हो गया। मैंने इतना बर्दाश्त किया फिर भी ये बंदा चेंज ही नहीं हो रहा, क्या है ये? ये भी नेकी का तकब्बुर है कि मैं ये अपने सब्र के ऊपर मैं तकब्बुर कर रही हूँ। तो बेटा सब्र वो सारी नेकी फिर जाया। तो बेटा ये जो तकब्बुर होता है ना, ये साइड के साइड आपका जो है ना आपकी नेकियां बर्बाद कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलना, मुझे भी पता नहीं चलना। तो डेली बेसिस पे इस रायदाना तकब्बुर के बारे में आपने बहुत ज्यादा केयर करनी है कि मैंने ये रायदाना तकब्बुर अपनी जिंदगी में नहीं लाने देना, क्योंकि शैतान को भी जन्नत में तकब्बुर की वजह से निकाला गया था। और ये किबर जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के शायान शान है, ये हमारे शायान निशान नहीं है। हम मिट्टी के बने हुए बंदे हैं, हमें आजिजी और इनकसारी ही सूट करती है, इंसान झुका हुआ ही अच्छा लगता है। तो ये जो यहाँ पे जो एक एक्सेप्टेंस दिखाई गई ना फेट की, डेस्टिनी की, प्राइड की, कि जो भी जिंदगी में तकब्बुर करेगा उसके साथ ऐसे ही होगा। और यहाँ पे देखें कि ईडिपस किल्ड हिज बायोलॉजिकल फादर, मैरिंग हिज बायोलॉजिकल मदर, हैविंग डॉटर्स एंड एट द सेम टाइम सिस्टर्स, suicide of his mother, farewell to his home city, and we farewell to his home city. Themes इसमें देख लेते हैं, fates and free will, या fates लिखा हुआ, that is only fate, fate होता, fates नहीं होता, fate and free will, state control, sight and blindness, ये इसकी themes थी, sorrows, tones जो हैं, इसकी sorrows and grief है। उसके बाद symbolism देखते हैं, the scar on Oedipus foot, Oedipus के foot के ऊपर एक scar था, the three way of crossroad, और वो जो three way of crossroad वो वहाँ का symbolism। Significance देखते हैं, the Oedipus plays have a wide reaching influence and are particularly notable for inspiring Sigmund Freud's theory of the Oedipus complex। ये बेटा बहुत important theory है, ये जरा गौर से सुनिएगा, which describes a stage of psychological development in which a child sees their father as an adversarial competitor for his or her mother's attention, or in non-psychological speak, it's the kill the father slave with the mother complex। अच्छा जी, इसमें ये है कि जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि उसको ये लगता है, वो अपने फादर से इसलिए नफरत कर बैठता है कि उसकी माँ की ज्यादा अटेंशन जो है वो उसका बाप ले लेता है, यानी कि उसका बाप जो है उसके लिए एक कॉम्पिटिटर बन के रह जाता है, और हिज और हर मदर्स अटेंशन। और इन नॉन साइकोलॉजिकल स्पीक, साइकोलॉजी स्पीक अगर हम नॉन साइकोलॉजिकली देखें तो इट्स द किल द फादर स्लीप विद द मदर कॉम्प्लेक्स, और वो जो है मतलब अपने फादर को जो है अपनी मदर के साथ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उसके बाद देखते हैं और नॉर्मली बेटा ये जो है जो बड़ा बेटा होता है ना उसके अंदर ये चीज ज्यादा होती है कि वो अपनी मदर बेटियों के अंदर इतना नहीं होता लेकिन जो बड़ा बेटा होता है ना आप जितने भी मदर्स यहाँ पे बैठी हैं जरा अपने बड़े बेटे को देखिएगा वो बड़े बेटे अक्सर इरिटेट हो रहे होते हैं कि फादर हमारी मदर के पास बैठे क्यों है ना या फिर उनको ये हो रहा होता है कि हमारी माँ ज्यादा केयर हमारी करे तो ये बेटा ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाई जाती है फेमस लाइंस देखते हैं He will be revealed a brother and a father to his children in his house, husband and son to her who gave him birth, wife, sharer, and the killer of his father. Send him to the fields, the sheep pastures. So far, he could not even lay eyes on Thebes. Uske baad time alone can make it clear a man is just while you can know a traitor in a day. रिफ्लेक्शन एंड रियलाइजेशन देखते हैं यहाँ पे इस पूरे ड्रामा के अंदर क्या थी लाइफ इज फुल ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस एट द एंड लाइफ जो है वो फुल ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस है बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में ना आपके सामने कई चॉइसेस आएंगी बहुत अच्छी अच्छी भी चॉइसेस आएंगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं एट द एंड लेकिन बेटा अक्लमंद इंसान वो होता है सही वक्त पे सही फैसला हमारे सामने फॉर एग्जांपल एक जॉब आ गई है लेकिन मेरा बच्चा भी छोटा है तो हमारा ऑप्शन क्या होती है मैं जॉब कर लूंगी लेकिन अपने बच्चे को मैं डे केयर में छोड़ दूंगी ऑप्शन हमारे पास यही रह जाती है क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि वो जो हमारे हस्बैंड की पे है या जो हमारे घर में पैसे आते हैं वो थोड़े हमारे लिए वो बेटा थोड़े नहीं होते ठीक है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपने अपने बच्चे को 7 साल दे दिए 10 साल दे दिए उसके बाद भी बेटा आपके पास बहुत सी चॉइसेस होंगी ठीक है 14 ईयर्स तक बेटा मैंने अपनी शादी के 2016 में ये सारा काम स्टार्ट हुआ था शादी के बाद 14 ईयर्स बाद भी क्या चॉइसेस मेरे पास खत्म हो गई अभी भी बहुत है तो लाइफ इज फुल ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस ये मत सोचिएगा कि मेरा बच्चा छोटा अभी चॉइस मिल रही है कल को नहीं मिलेगी मिल जाएगी किस्मत में है ना सब कुछ मिलता है लेकिन अगर आपने चॉइस तो इख्तियार कर ली लेकिन टाइम मुनासिब नहीं था बेटा एंड पे जाके आफ्टर 10 ईयर्स बाद आप उसके बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे हो सकता है आपकी औलाद आपके हाथ से निकल जाए हो सकता है आपका घर ही बिखर जाए हो सकता है अल्लाह ना करे आजकल जिस तरह के माहौल चल रहे हैं जिस तरह का माहौल है माँ को तो अपना बच्चा हमेशा ही अच्छा लगता है ठीक है चाहे वो चोरी भी करेगा फिर भी अच्छा लगेगा माँ नहीं मानेगी कि मेरा बच्चा बोला ठीक है तो बेटा हर चीज तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे या अल्लाह मुझे हिकमत भी दे सही वक्त पे सही फैसला बेटा कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह ताला बगैर मांगे नहीं देता उसमें नंबर एक हिदायत है नंबर दो सब्र है नंबर तीन हिकमत है अल्लाह ताला बगैर मांगे हिकमत नहीं देता अगर आपको लगता है मैं डिग्रियां हासिल करके हिकमत हासिल कर लूंगी या 10 किताबें पढ़ के मैं हिकमत हासिल करूंगी नहीं आनी जब तक आप अल्लाह से नहीं मांगे आप इल्म तो हासिल कर लेंगे लेकिन हकीम नहीं बन सकता मैं हकीम आप उस दिन बनेंगे हकीम वो वाला हकीम नहीं इलाज वाला नहीं दूसरे वाला एक बात पसंद इंसान तो हिकमत बेटा आपको उस दिन मिलेगी जिस दिन आप अल्लाह से मांगेंगे तो हिकमत अगर चाहिए तो एक दुआ जरूर अपनी जिंदगी में ऐड करें रब्बाना अतमिम लाना नूराना वग़फिर लाना इन्ना काला कुल्ली शेइन क़दीर रब्बाना अतमिम लाना नूराना याला अतमिम लाना नूराना मेरी मतलब मेरा नूर मुकम्मल कर दे मुझ पर अपना नूर मुकम्मल कर दे सॉरी रब्बाना अतमिम लाना मुकम्मल कर दे अपना नूर जिसको अल्लाह का नूर मिल जाएगा क्या उसको उसको तो बेटा अंधेरे में भी रोशनी नजर आ जाएगी उसको उस वक्त भी सोल्यूशंस नजर आएंगे जब आगे कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि अल्लाह का नूर जो मिल गया आंखों में जहन में आपके जिस्म में अल्लाह का नूर आ गया है तो क्या आप हार सकते हो कभी भी नहीं क्या कहा अभी दुआओं से किस्मतें पलटती करें ना ऐड फिर हम आगे अल्लाह ताला से कहते हैं रब्बना अतमिम लाना नूराना वग़फिर लाना और मुझे माफ़ कर दे बेटा ये माफ़ी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना बिल्कुल ऐसे है कि आप वो कहते हैं ना जो हर वक्त अस्तगफार करता रहता है अल्लाह ताला उसको वहां से देता जहां से उसको गुमान भी नहीं होता
हम फिर अल्लाह से माफ़रत भी मांग रहे हैं तो इट मीन्स कि दैट इज 100% श्योर कि मैं मुझे अल्लाह वहां से देगा जहां से मुझे गुमान भी नहीं होगा लाइक मी ठीक है अल्लाह ने मुझे वहां से दिया मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कभी ऑनलाइन ट्यूटर होंगी इंग्लिश लिटरेचर की ठीक है जिस बंदी को जॉब करने का भी शौक ना हो पैसे कमाने का शौक ना हो अल्लाह उसको घर बैठे बैठे दे दे और फिर हम कहते हैं इन्नक आला कुल्ली शैइन कदीर या अल्लाह तुम हर चीज पे कादिर मुझे ये चीज चाहिए अल्लाह ताला देगा एक्चुअली हम पता दुआएं कैसे मांगते हैं रब्बना तुम बना नूर नवा कुल्ला इन्नक आला कुल्ली शैइन कदीर आमीन सुम्मा आमीन और उसके बाद हमें नहीं पता इसके मीनिंग्स क्या उसके बाद हमें नहीं हमारे गुमान में भी नहीं है मैंने मांगा क्या बेटा गुमान बड़ा करके मांगिए तो सही देखिए अल्लाह ताला कैसे कहता है तो लाइफ जो है ना वो फुल ऑफ ऑप्शंस और चॉइसेस है विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस एट द एंड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एट द एंड सोच के वो कहते हैं ना ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़े काम ये बेटा वही काम सोच के देख के परख के औरत की लाइफ जो है ना एक एक कदम उसका वो बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस का बायस बन जाता है वो उसके हक में बेहतर भी हो सकते हैं और उसके हक में बुरे भी हो सकते हैं इट इज बेटर टू नो एवरीथिंग रेलेवेंट टू इट बिफोर यू मेक अ डिसीजन तो ये बेहतर है कि आप हर चीज रेलेवेंट जो है वो जान ले इससे पहले कि आप कोई डिसीजन करें अल्लाह ताला से नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने जब भी कोई बेटा नया इरादा करना है दो रकात नमाज नवाफिल हाजात और उसके साथ दुआ इस्तिगफारा जरूर पढ़नी है ये कोई शादी ब्याह के लिए नहीं सिर्फ पढ़ी जाती ठीक है ये जब भी इंसान कोई नया इरादा करता है तो दुआ इस्तिगफारा पढ़ी जाती है उसके बाद ट्रुथ इज नॉट ऑलवेज अ साइन ऑफ फुलफिलमेंट ट्रुथ कभी भी साइन ऑफ फुलफिलमेंट नहीं होता और डेस्टिनी इज नॉट एन ओरेकल टू बी बेस्ड बट इट इज अ चॉइस टू मेक और डेस्टिनी कोई एक ओरेकल नहीं होता ये हमारी अपनी चॉइस होती है हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं जो हमारी मंजिल बनाती है ये हमारा अपना गुमान है हमारी अपनी सिलेक्शन है द वे वी हैव सिलेक्टेड तो वो हमारे जो है हमारी ये चॉइस होती है जो कि मेड करती है हमारी डेस्टिनी बनाती है तो अगर कोई उस्ताद आपको ये कहे ना बेटा फलानी डिग्री ले लो तो तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी बेटा डिग्रीज डेस्टिनी नहीं बनाती आपकी चॉइसेस डेस्टिनी बनाती समझ आई तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना मैं उनको उनसे कभी झूठ नहीं बोलती बेटा मैं झूठ बोल ही नहीं सकती ठीक है तो कभी ये मत सोचिएगा कि डिग्री आपको पैसा दे देगी या डिग्री आपकी जिंदगी बदल देगी मुझे तो बस इतना पता है कि दुआएं किस्मतें बदलती हैं तो मैं अब यही बोलूंगी कि बेटा दुआएं किस्मतें बदलती हैं और जो जो चीजें बेटा किस्मतें बदलती हैं जो मैंने अपनी लाइफ से अज्यूम किया वो मैं आपको बताती हूँ और मैं कभी कभी अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह अगर ये ऑनलाइन क्लासेस मैंने अपनी एज के उस दौर में की होती जबकि मेरे बच्चे छोटे होते या मैं अनमैरिड होती तो बेटा शायद मैं आपको अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस नहीं दे सकती थी मैं आपको पढ़ा तो सकती थी मैं आपको जिंदगी के एक्सपीरियंसेस नहीं दे सकती थी तो देखिए अल्लाह ताला ने कितना अच्छा टाइम मेरे लिए सिलेक्ट किया मैं उस वक्त लोगों को पढ़ा रही हूँ जब मैं अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा जी चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हो गया ना अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो टाइम सेलेक्ट किया दैट इज द बेस्ट टाइम मेरे मास्टर्स करने का वो टाइम नहीं था जब मेरी शादी हुई थी मेरे मास्टर्स करने का बेटा यही टाइम था शादी के 14 साल बाद तो बहुत सारी चीजें होती हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हुई होती हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उनको हमारे पास आने में या हमें उस तक पहुंचने में लेकिन वो टाइम बेस्ट होता है बेटा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सेलेक्ट किया है इसलिए बेटा कभी भी जल्दबाजी ना कीजिएगा कुरान मजीद में लिखा है कि जन्नत साबरीन के लिए तो मैं एक दिन सोच रही थी जन्नत अगर साबरीन के लिए तो बेटा दुनिया भी में भी वो लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर सब्र होता है सूरतुल बाकरा में है कि सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगो हमारे ऊपर जब आजमाइश होती है ना हम सबसे पहले सब्र छोड़ते हैं और उसके बाद नमाज छोड़ते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला की मदद मांगो अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं कहा नमाज और सब्र के साथ सब्र क्यों पहले आ गया क्योंकि बेटा सब्र जो है वो ज्यादा मुश्किल है नमाज कायम करने से 5 वक्त की नमाज कायम करना मुश्किल लगता है ना आपको 5 वक्त की नमाज डेली आपसे नहीं पढ़ी जाती होगी
90% 99% लोग पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, उनको मुश्किल लगता है, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल सबर है। ठीक है, जब हमारे ऊपर कोई भी मसला होता है हम सबसे पहले सबर ही तो छोड़ते और उसके बाद नमाज छूटती है। सबर छूटने की देर है बेटा, एक एक नेकी करके आपके हाथ से जाएगी। सबसे पहले तो आपके हाथ से अल्लाह का जिक्र चला जाएगा। हमारे ऊपर कोई आजमाइश आती है हम क्या करते हैं, अल्लाह का जिक्र थोड़ी करते हैं, हम तो मोबाइल उठाते हैं व्हाट्सएप स्क्रोल करना शुरू कर देते हैं, गुस्से में फेसबुक स्क्रोल करना शुरू कर देंगे, बाजार चले जाएंगे, किसी फ्रेंड को फोन कर लेंगे, अम्मी को फोन कर लेंगे, सारी शिकायतें जो लगानी होती है, कितनी गीबत करते हैं हम लोग। तो बेटा हजरत अली का कॉल है ना कि उनसे पूछा गया हजरत अली से कि अजाब और आजमाइश में क्या फर्क है, तो आप रसूलल्लाह उन्होंने फरमाया कि हर वो दुख जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र के करीब कर दे वो आजमाइश है, और वो दुख जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे वो अजाब है। हमारे ऊपर जब कोई, चलो अम्मी से ही डांट पड़ गई है या हस्बैंड से डांट पड़ गई है या अबू से डांट पड़ गई है, हम कोई नमाज थोड़ी जिक्र थोड़ी शुरू कर देते हैं या अस्तगफार थोड़ी पढ़ते हैं, या हमारे जहन में कोई नेगेटिव थॉट आती है हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम थोड़ी पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, चलो भाई बैठ जाओ बिस्तर पे जाके और उठा लो मोबाइल और व्हाट्सएप स्क्रोल करो बैठ के, करते हैं कि नहीं करते, ये अल्लाह का जिक्र थोड़ी हुआ।